दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत अगर दुनिया में होते तो 21 जनवरी को वो अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। मगर अफसोस, सुशांत सिंह राजपूत को 34 साल की छोटी सी उम्र में ही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। सुशांत के साथ 14 जून 2020 को क्या हुआ था कोई नहीं जानता, जांचें चल रही हैं। बीच बीच में अलग अलग थ्योरीज भी आती हैं, मगर फिर भी उस मनहूस दिन को क्या हुआ था कोई पता नहीं कर पाया। जो हुआ था वो सुशांत ही जानते थे, जो बताने के लिए वापस धरती पर नहीं आ सकते। खैर, अब सुशांत के फैंस 21 जनवरी को सुशांत डे के रूप में मनाते हैं और इसी दिन पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने फैंस के साथ सुशांत के दो ऐसे किस्से शेयर किए हैं जो वाकई में काफी हैरानी भरे भी हैं और दिलचस्प भी हैं। एक किस्से के मुताबिक तो सुशांत की एक गलती की वजह से उनका पूरा परिवार आग के हवाले हो जाता। तो बहन श्वेता ने क्या बताया सुशांत के बचपन के किस्सों को लेकर, आपको भी बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी सुशांत डे पर अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो ये तो सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की चार बहनें हैं, रानी सिंह, प्रियंका सिंह, मीतू सिंह और श्वेता सिंह कीर्ति। इनमें से श्वेता सिंह कीर्ति अमेरिका में रहती हैं, जो कि प्रोफेशनली फैशन डिजाइनर हैं और मॉडल भी हैं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए वो सुशांत के फैन से लगातार कनेक्ट रहती हैं। और सुशांत की मौत के बाद तो वो लगातार हमेशा सुशांत के इंसाफ की मांग भी करती रही हैं। अब सुशांत की तीसरी बर्थ एनिवर्सरी यानी कि 21 जनवरी के मौके पर श्वेता सिंह कीर्ति ने एसएसआर से जुड़े दो इमोशनल कर देने वाले वाक्य शेयर किए हैं। श्वेता ने वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो में श्वेता सिंह कीर्ति पहला किस्सा बताते हुए कहती हैं, सभी को नमस्ते, भाई के बर्थडे से पहले मैं आपके साथ भाई से जुड़ी कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि जब वो बच्चा था तो उसे क्या करना पसंद था। श्वेता ने वीडियो में बताया कि घर पर मुझे सब गुड़िया और सुशांत को गुलशन कहकर बुलाया करते थे। कभी कुछ भी करना हो तो हम साथ ही में करते थे। श्वेता ने आगे कहा, हमने एक बार समर वेकेशन के टाइम में दो कंपनी स्टार्ट की थी, एक यूनियन कंपनी और दूसरी रेनबो कंपनी। यूनियन कंपनी में हम साथ में मिलकर घर में जब सब दोपहर में सो जाते थे तब हम घर में जो भी स्वीट्स यानी कि जो भी मिठाइयाँ होती थी वो दोनों मिलकर चुपचाप खा जाते थे और खूब इंजॉय करते थे। ये हमारी यूनियन कंपनी थी। और रेनबो कंपनी में हम क्या करते थे कि समर टाइम में जब सब सो जाते थे तो हम अपने गैराज में जाकर फिल्मों की एक्टिंग किया करते थे। इसके बाद श्वेता सिंह कीर्ति ने एक और किस्सा शेयर किया और बताया कि एक बार सुशांत और उनकी गलती की वजह से पूरे घर में आग लग जाती। श्वेता ने बताया कि गर्मियों के दिन थे, घर में सब सो रहे थे, तब हम दोनों भाई बहन घर की छत पर बने छोटे से कमरे में कुकिंग की प्लानिंग करने चले गए। हमने ईंटों के जरिए चूल्हा जलाया और लकड़ी लाकर उसमें बहुत सारा केरोसिन डाल दिया और माचिस से आग लगा दी। श्वेता ने बताया कि सुशांत ने ना समझे में केरोसिन बहुत ज्यादा डाल दिया था और जैसे ही माचिस की तीली उसमें फेंकी तो भयंकर तरीके से आग लग गई, पूरा कमरा आग से भर गया। हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गए। श्वेता ने आगे बताया, सब नीचे सो रहे थे, किसी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। छत पर बहुत सारा सामान रखा था मगर हम इतना डर गए कि चुपचाप नीचे चले आए। हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आया कि अगर आग कमरे से बाहर निकल गई तो पूरी छत में तहस नहस मचा देगी। श्वेता ने बताया कि हम दोनों चुपचाप नीचे आकर बैठ गए और फिर अचानक से सुशांत के दिमाग में ख्याल आया कि कहीं पूरे घर में आग न लग जाए, तो हम दोनों फिर से छत पर दौड़ पड़े और टंकी में से पानी निकाल निकाल कर आग को बुझाया। श्वेता ने बताया कि सुशांत ने 10 से ज्यादा बाल्टी पानी निकाला और तुरंत उस कमरे की तरफ फेंका। श्वेता ने कहा, इसके बाद बड़ी मुश्किल से आग पर हम दोनों ने मिलकर काबू पा लिया। श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो में आगे बताया कि शाम को सबको हमारी हरकत का पता चला तो हमें बहुत डांट भी पड़ी, मगर सुशांत ने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और कहा कि इसमें गुड़िया यानी कि उनकी बहन की कोई गलती नहीं है। श्वेता सिंह कीर्ति ने आगे बताया कि हम बड़े होकर भी उस किस्से को खूब याद करते थे, हंसते थे, मगर मन ही मन डर भी लगता था कि कहीं हमारी नादानी से उस दिन पूरे घर में आग लग जाती तो क्या होता। तो इस तरीके से श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत के बचपन से जुड़े दो किस्से सुनाए। पहला किस्सा दिलचस्प था मगर दूसरा वाकई में डराने वाला था। अगर उस दिन जरा सी चूक होती तो सच में सब कुछ स्वाहा हो जाता। खैर, उस वक्त तो सुशांत के परिवार को कुछ नहीं हुआ, मगर जब से सुशांत दुनिया से गए हैं तब से ही उनका पूरा परिवार पूरी तरह बिखर गया है, जिसे संभलने में कई साल लग जाएंगे। महाराष्ट्र की पुरानी सरकार से तो कोई उम्मीद थी ही नहीं, मगर अब जब महाराष्ट्र में केंद्र की सरकार है, पीएम मोदी की सरकार है, तो हम उनसे अपील करते हैं कि वो सुशांत की जांच करवाएं, सीबीआई पर दबाव बनाएं कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सामने रखें और सुशांत के गुनहगारों को सजा दिलवाएं।
तो सुशांत के बचपन के इन दोनों किस्सों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सुशांत बचपन से ही समझदार थे और शरारती भी? आप भी अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत को गए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन अब तक हम सब उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीबीआई से बहुत उम्मीद थी, मगर सीबीआई की तरफ से भी अभी तक एक भी अपडेट सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि फैंस के साथ साथ सुशांत का परिवार भी बेहद दुखी और परेशान है, लेकिन फिर भी उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाती रही हैं। और हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें वो सुशांत के फैंस को एक बहुत बड़ा इशारा दे रही हैं। बताते हैं आपको पूरी खबर, मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी हर हाल में सुशांत और सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़कर हमारी ताकत बनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुशांत के इंसाफ के लिए इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे शायद वो सुशांत के फैंस को कहना चाहती हैं कि आपस में ही लड़कर इंसाफ की राह से ना भटकें। हाल ही में सोशल मीडिया पर कई अलग अलग थ्योरीज को लेकर फैंस आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आए हैं, और श्वेता का ये ट्वीट शायद उन लोगों के लिए ही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह ने सोशल मीडिया पर सुशांत की एक पुरानी पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में सुशांत ने सही और गलत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। श्वेता की ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सुशांत के फैंस श्वेता की इस पोस्ट पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। श्वेता कीर्ति सिंह ने अपने भाई सुशांत के जिस ट्वीट को शेयर किया है, वो सुशांत ने 12 दिसंबर 2018 को पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, जो चीज हम सभी को साथ ले आए वो सही है, जो हमें अलग कर दे वो गलत है। सुशांत के इस पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए उनकी बहन ने कई तरह के हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें हैशटैग लव, हैशटैग वंडर और हैशटैग फ्यूचर समेत अन्य शामिल हैं। इतना ही नहीं, श्वेता ने इसके बाद सुशांत का एक इंटरव्यू वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो लोगों के साथ एक साथ आने के बाद एक दूसरे पर सवाल खड़े करने को लेकर बात कर रहे हैं। सुशांत कहते हुए नजर आ रहे थे, अगर हम इस चीज को लेकर परेशान हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उसके बाद क्या करेंगे, तो हमें एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। श्वेता ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, उनके ही शब्दों में, अगर हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो हमें एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, लड़ाई नहीं। तो ऐसे में हम भी उन सभी फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपस में ना लड़ें, राह से ना भटकें और दिमाग में बस यही बात रखें कि हम सब सच के साथ हैं और अन्याय के खिलाफ हैं, और हमें हर हाल में मिलकर ये लड़ाई जीतनी ही है, सच के लिए, सुशांत के लिए। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।